यह है जून मंथ का तीसरा हफ्ता और तीसरे हफ्ते के वीकेंड के पहले ही बहुत सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में मैं परसों वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन उसके बाद इस फ्राइडे के एक दिन में ही बहुत सारा और बढ़िया बढ़िया और बड़ा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसके बारे में ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि 20 के ऊपर कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनमें ज्यादातर हिंदी, हिंदी डब और कुछ इंग्लिश वाली शामिल है। और ऐसी ही और भी मजेदार अपडेट्स लेते रहने के लिए वो छोटू सा लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें, ताकि हम ऐसे ही एक साथ आगे बढ़ते रहें। और कोई सवाल करना हो या मुझसे लाइव वीडियो कॉल पे कांटेक्ट करना हो तो आप मुझे हर संडे को 1 बजे मिल सकते हैं यूट्यूब के लाइव सेशन में, जिसके लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के दिन में परसों वाली लिस्ट के अलावा कुछ रिलीज हुई बड़ी मूवीज, जिसमें सबसे पहली है अमेजोन की ओर से वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज की गई हिंदी डब 18+ अडल्ट सस्पेंस ड्रामा मूवी गर्ल्स टू बाय, जिसे वैसे कुछ दिन पहले ही अवेलेबल कर दिया गया था, लेकिन मुझे ये मूवी ज्यादा खास नहीं लगी थी। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद पता चला कि ये एक बढ़िया क्वालिटी मूवी है, जो ओनली मैच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाई गई है और कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड भी है, जिसमें यूरोप में चलने वाले प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल खुल के बताया गया है और आहा के साथ दिखाया भी गया है, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में अमेजोन के वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद एक नई गुजराती मूवी फैमिली ब्लड और पॉलिटिक्स, जो अभी झमारू मी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गुजराती के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक पॉलिटिकल फैमिली की होने वाली है, जिसमें उनके आपसी रिश्तों की खींचोतान दिखने वाली है और कैसे पॉलिटिक्स परिवार से बढ़के होती है वही हमें इस मूवी में दिखाया गया है, जो अभी गुजराती के साथ साथ हिंदी डब में भी झमारू मी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो चलिए अभी बात करते हैं 16 जून के दिन की, जिसमें सबसे पहले साउथ की एक बड़ी क्राइम सस्पेंस ड्रामा मूवी फरहाना, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी 16 जून से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर की जाने वाली है, जिसकी अभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो अनाउंस नहीं की गई है, बट काफी ज्यादा चांसेस है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, जिसके बारे में कन्फर्म मैं आपको कल वाली मॉर्निंग वाली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद है सोनी लिव पे ही रिलीज होने वाली एक नई इंग्लिश क्राइम सस्पेंस ड्रामा मूवी ब्रोकर, जो अभी 16 जून से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद है शमारू में के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई और बढ़िया अंडररेटेड सोशल इशू कॉमेडी ड्रामा मूवी जगू की लालटेन, जो एक अंडररेटेड मूवी है जिसे काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी काफी टाइम बाद ये मूवी हमें फाइनली शमारू में के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी में देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी कल मीन्स के 16 जून से ही शमारू में के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद है गुजराती ऑडियंस के लिए एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी अनोखी, जिसे 16 जून से शिमारू मी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया जा रहा है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई इंग्लिश एक्शन एडवेंचर एनिमेशन वेब सीरीज ब्लैक क्लोवर, जिसे अभी 16 जून से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बढ़िया जापानीज एनिमेशन वेब सीरीज है। इसके बाद है कल के दिन की सबसे बड़ी रिलीज एक्सट्रैक्शन का पार्ट 2, जो हमारे थोर भाई की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसका पार्ट 1 तो सुपरहिट गया था। अभी 16 जून से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसी मूवी का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब और बाकी कई और इंडियन लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक्शन बहुत बड़े लेवल का देखने को मिलने वाला है और कई नए एंगल से देखने को मिलता है, जो इस मूवी की खास बात है। तो ये एक मस्ट वॉच बड़ी मूवी है कल के दिन की। इसके बाद मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई सस्पेंस ड्रामा मूवी वन फाइन मॉर्निंग, जिसे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही मूवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 16 जून से रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद चौपल की ओर से ही पंजाबी ऑडियंस के लिए एक और नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी रंग रत्ता, जिसे भी अभी अभी ही चौपल की ओर से अनाउंस किया गया है और 16 जून से ये मूवी हमें चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें पंजाबी सिंगर एक्टर रोशन प्रिंस देखने को मिलने वाला है, जो वैसे इतनी बढ़िया तो नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी टाइम पास वन टाइम वॉच तो जरूर होने वाली है। इसके बाद है एक नई ब्रिटिश इंग्लिश कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज द फुल मॉन्टी, जिसे अभी 16 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद है एक नई डॉक्यूमेंट्री मूवी स्टैनली, जिसे अभी 16 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, जिसकी कहानी स्टैनली की होने वाली है, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, और इसी बंदे की वजह से हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलता है, मतलब कि स्पाइडरमैन इसी के दिमाग से निकला है, जो एक को क्रिएटर है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को हमारे सामने लाने वाला। तो कैसे उसके दिमाग में आया और कैसे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को हमारे लिए सामने लाया, वही सच्ची कहानी हमें इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है म्यूजिक पसंद लोगों के लिए एक नई म्यूजिकल हिस्ट्री ड्रामा मूवी शेवलियर, जिसे अभी 16 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक अफ्रीकन स्लेव और उसके फ्रेंच मालिक के बेटे की कहानी देखने को मिलेगी।
इसके बाद है होइचो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली बंगाली ऑडियंस के लिए एक नई सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द एकन, जिसे अभी 16 जून से होइचो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बंगाली इन्वेस्टिगेशन सीरीज है जिसके बहुत सारे पार्ट्स होइचो की ओर से अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं और ये उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसका नेक्स्ट सीजन होने वाला है। इसके बाद है हॉलीवुड की हमारे मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया के साथ एक नई इंग्लिश एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी कंधार, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी 16 जून से हमें अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं की गई है कि हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी या नहीं, बट बहुत ज्यादा चांस है कि हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए और ये एक बड़ी और बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें एक क्वालिटी कहानी देखने को मिलेगी। बाकी जेरार्ड बटलर है तो मूवी का बेस्ट होना तो श्योर होता है, जिसकी एक भी मूवी अभी तक ऐसी नहीं गई जो मुझे ना पसंद आई हो, तो आपको भी जरूर पसंद आएगी। इसके बाद है अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होने वाली एक नई कॉमेडी ड्रामा मूवी देर इज समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन, जिसे अभी 16 जून से अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद है साउथ की एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी रावणा कोतम, जिसे अभी 16 जून से अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद एक नई हिंदी रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज हाईवे लव, जिसे अभी फ्री में अमेजोन मिनी टीवी पर रिलीज किया जाने वाला है 16 जून से, जिसमें हमें एक इंडियन कपल के प्यार की कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद है लाइन्स गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एक नई इंग्लिश वेस्टर्न एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी डेस्परेट राइडर्स, जो एक पीरियड एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें हमें पुराने टाइम के कुछ काउ बॉयज की कहानी देखने को मिलेगी और उसके साथ ही कुछ किडनैपिंग जैसे क्राइम होने वाले हैं जो हमें इस मूवी में एक्शन और थ्रिल के साथ देखने को मिलेंगे, जिसे अभी 16 जून से लाइन्स गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है कल के दिन की एक और बड़ी मूवी सिया, जो एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसे काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी 16 जून से Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, जिसमें मेन रोल में हमें विनीत कुमार देखने को मिलता है, जो एक कोर्टरूम क्राइम ड्रामा मूवी है जिसमें हमें एक रेप की कहानी देखने को मिलती है और उस लड़की के लिए इंसाफ पाने के लिए विनीत कुमार हमें कोर्ट में लड़ता हुआ देखने वाला है इस मूवी में, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है। इसके बाद Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक बढ़िया साउथ की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मसाला मूवी तमिल सन, जो एक बढ़िया मूवी है लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज की जाने वाली है 16 जून से Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद है हमारे मोटा भाई के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे रिलीज होने वाली एक नई रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी आई लव यू, जिसमें हमें एक ट्विस्टेड प्यार की कहानी देखने को मिलेगी जिसमें रोमांस भी होने वाला है और उसके साथ साथ मिस्ट्री भी होने वाली है, जिसे अभी 16 जून से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज किया जाने वाला है। और इसके बाद है कल के दिन की सबसे बड़ी मूवी आदिपुरुष, जिसे कल सुबह से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है, जो इस महीने की नहीं इस साल की सबसे बड़ी मूवी हो सकती है, बट ज्यादा तो इस मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि इसके कार्टूनिश VFX की वजह से ये मूवी अभी तक बहुत चर्चा में बनी रही है, बट रिलीजियस कहानी होने के कारण ये मूवी सुपरहिट भी हो सकती है, बट फिर भी इसके कार्टूनिश एंड फनी लुक्स में दिखने वाले कैरेक्टर्स मजाक के पात्र जरूर बन सकते हैं। बाकी कल के दिन में ही पता चलेगा कि ऑडियंस का असली रिएक्शन क्या रहता है, जो अभी वर्ल्ड वाइड 16 जून से ओनली थिएटर्स में ही होने वाली है और सभी इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली ये एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है। तो 16 जून को रिलीज होने वाला कंफर्म कंटेंट यही था, लेकिन अभी और भी बहुत सारा कंटेंट सरप्राइज रिलीज किया जाएगा जिसके बारे में मैं कल वाली वीडियो में ही बता पाऊंगा, तो वेट कीजिए कल वाली वीडियो का और तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वो वीडियो कैसे मिलेगी आपको। बाकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, जहां पे आपको डेली इमीडिएट अपडेट्स भी मिलती रहती है पोस्टर्स के जरिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।